हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं एक मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द मेकअप। और अभी मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर। सो मॉइस्चराइजर लगाना काफ़ी ज़रूरी है बिकॉज उससे केकी लुक नहीं आता है और जो फाउंडेशन का जो कवरेज होता है वो भी एकदम अच्छा है। तो अब आ रही आती है प्राइमर की। तो मैं प्राइमर के बजाय एलोवेरा यूज़ कर रही हूँ बिकॉज प्राइमर काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स एंड ऑल होता है, लेकिन एलोवेरा जो है एकदम नेचुरल है। और ये वाव का एलोवेरा जेल है, इसे आप स्किन पर भी और हेयर्स पर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं ये एज अ प्राइमर यूज कर रही हूँ अभी। तो मैंने कंसीलर काफ़ी कम लिया है, सिर्फ यहाँ यहाँ और जहाँ जहाँ मेरी पिगमेंटेशन है वहीं पर। और अगर मतलब लाइक जिसे कंफ्यूजन होता है कि कंसीलर कैसा लेना चाहिए, तो आप जो फाउंडेशन लेते हो उसका टू शेड थोड़ा लाइट होना चाहिए। तो मेरा फाउंडेशन थोड़ा न्यू टाइप से, थोड़ा डार्कर था, तो उससे मैंने और टू शेड लाइट ऑफ कंसीलर लिया है। तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है मेरे स्किन पे। और ये जो स्पॉन्ज है इसको हमेशा हमें वेट रखना है, डैम्प रखना है ये, और इससे हमें बहुत अच्छी कवरेज भी मिलती है। मैं पूरा कंसीलर लगा के आपको अभी दिखाती हूँ। सो मेरे आईज़ का बेस मेकअप तो हो गया है और जहाँ जहाँ मेरी पिगमेंटेशन थी वहाँ मैंने कंसीलर लगा के उसको हाइड कर दी हूँ। तो अभी मैं फाउंडेशन यूज़ करने जा रही हूँ और ये फाउंडेशन है ओरी फ्लेम का, द वन लास्ट साइनिक फाउंडेशन। और ये फाउंडेशन लगाने का तरीका मेरा है, सो डोंट थिंक दैट इसको तो कुछ नहीं आता है एंड ऑल। ये मेरा तरीका है, आप लोग अपने तरीके से लगाओ, जैसा आपको लगाने लगाओ, बस अच्छी कवरेज देनी चाहिए और कुछ नहीं। और जो फाउंडेशन है उसे हमें इस तरह से डैप करके लगाना है, ना कि ऐसा इस तरह से घिसना है, बस उसको डैप करते रहना है लाइक दिस। सो अभी मैंने इसे लूज पाउडर से एकदम इसको सेट कर दिया है आई मेकअप को। द नेक्स्ट स्टेप इज आई शेडो। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ का आई शेडो पैलेट। सो ये कलर्स है यहाँ। सो इसमें से अभी मैं डार्कर शेड यूज़ कर रही हूँ ब्राउन। ब्रश को ऐसा दूर पकड़ना है, सर डैप डैप करना है एंड मैं आई लुक जो है थोड़ा सिंपल ही रखने वाली हूँ। तो अब ये वाला जो ग्लिटर जैसा शेड है इसको मैं अपने हाथों से ही लगाऊंगी अभी लाइक। तो अभी यहाँ थोड़ी वार्मनेस दिखाने के लिए मैं वही शेड जो मैंने ब्राउन शेड जो पहले लगाया था उसको ही अभी यूज करके यहाँ थोड़ा ब्राउन टेक्सचर देना है और वार्म लुक लगने। And the next step is eyeliner. एक साइड तो लग जाता है लाइनर, दूसरे साइड नहीं लग पाता है मुझसे। अभी मैं ये लैश यूज़ कर रही हूँ और ये लैश काफ़ी बड़ा है मेरी आईज़ के लिए, तो मैं इसको अभी थोड़ा सा कट कर दूँगी। आप अपनी आई शेप के हिसाब से इसको कट कर सकते हैं, आपको जितना बड़ा है आपका आई छोटा है ना। आई नो अभी थोड़ा हॉरर लगेगा। एक्चुअली लैश लगाने के बाद ना लाइनर जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो इसको वापस से मैं इसको थोड़ा और मोटा कर रही हूँ इसके सेम टू सेम दिखने। एक्चुअली ये जो है जेल आईलाइनर है, मतलब लाइक जो लैशेस के साथ जो ग्लू आता है वाइट ग्लू, वो आईज़ पर कभी कभी नहीं अच्छा दिखता है, वो उसका वाइटनेस दिखता ही है। सो ये एक नया इन्वेंशन है फॉर ऑल द मेकअप लवर्स जिनको बहुत पसंद है आईलैशेस फेक लैशेस लगाना। सो ये आईलाइनर का भी काम करता है एंड आईलैश ग्लू भी काम करता है। या एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ ब्लश। सो अब मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का, इसमें है ब्लश हाईलाइटर एंड पाउडर ब्रॉन्जर। सो योर एंड और ब्लश लगाने की एक अपनी ट्रिक होती है, यस इस तरह से लगाया जाता है ताकि ये जो हमारे चीक जो है वो थोड़े उठ के दिखे, इनहेंस्ड लाइक दिस। मैं थोड़ा नोज पे भी लगाऊंगी बिकॉज आई लव ब्लश। नेक्स्ट स्टेप इज हाइलाइटर। तो हाइलाइटर मैं बस यही लगा रही हूँ
और ये जो ब्रश है, अगर आपके पास हाइलाइटर वाला ब्रश नहीं है तो वॉट यू कैन डू इज डू लाइक दिस एंड बस इसे इस तरह से ही ब्लेंड करना है बस. एंड द लास्ट स्टेप इज लिपस्टिक. तो मैं लिपस्टिक को अच्छी कवरेज देने के लिए पहले मैं लिप्स पर पाउडर लगाती हूँ ताकि वो मतलब जो उसका जो बेस है वो अच्छे से सेट हो जाए. तो ये लिपस्टिक है माय ग्लैम की. तो लिप कलर को और इनहेंस दिखाने के लिए आई एम यूजिंग बेनेट टिंट. ये चिक टिंट है और लिप टिंट भी है, इसे चीक पर भी लगा सकते हैं, लिप्स पर भी लगा सकते हैं. सो तो काफ़ी लोगों ने सोचा होगा कि मैंने अपने आईब्रोज क्यों नहीं बनवाए, क्यों नहीं उनको शेप दिया, बिकॉज मेरे आईब्रोज जो है ऑलरेडी थिक है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे उसको शेप देने की इतनी कुछ ज़रूरत लगी नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी अपने शेप में ही है. ओके, सो दिस इज माई फाइनल लुक एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये लुक कैसा लगा. फॉर मोर न्यू लुक्स प्लीज़ लेट मी नो इन माई इंस्टाग्राम. मैं अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. डू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.